राजधानी भोपाल के रातिबड़ में क्रिकेट कैफे एंड लाउंज का आज उद्घाटन किया गया है। इस कैफे की यूनिक और खास जानकारी देते हुए कैफे के ओनर ईशान शुक्ला ने बताया कि उन्होंने इस कैफे के जरिए एक अनूठी गो टू एस्केप जोन की अवधारणा बनाई है, जिसमें एक साफ सुथरा माहौल के साथ रेगुलर दिनचर्या से ब्रेक लिया जा सकता है। यहाँ आराम करने, पार्टी करने या खुद को डेली लाइफ से बाहर निकालने की अचानक इच्छा करने वालों के लिए यहाँ परफेक्ट डेस्टिनेशन है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि दिवाली से ठीक पहले भोपाल के लोग उनका यहाँ उपहार अवश्य पसंद करेंगे और इस कैफे को रिफ्रेशमेंट के लिए अपना गंतव्य स्थल बनाएंगे। बता दें, कुलिनरी लाउंज के स्वादिष्ट भोजन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर उत्तीर्ण है, जिसमें विशेष कॉन्टिनेंटल, भारतीय और एशियाई व्यंजन अपने वर्ग में अगले संस्करण में है। कैफे का भीतरी भाग यहाँ आने वाले ग्राहकों का गर्मजोशी से स्वागत करने, दोस्ताना और आरामदायक माहौल प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ओनर ईशान शुक्ला ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि एक बार यहाँ पधारने वालों को यहाँ बार बार आने की आदत बन जाएगी। आसिफ शेख की रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करने की कोशिश करी यहाँ पे। इट्स अ वेरी कामिंग एम्बियंस जो हमने देने की कोशिश करी, सो दैट पीपल कैन कम आउट ऑफ द सिटी विद रिलैक्स एंड जस्ट अनवाइंड। यहाँ पे आके क्योंकि शहर में बहुत सारी भाग दौड़ होती है, बीच में उनकी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, स्ट्रेस, तो उनके लिए ये बेटर रहता है कि वो कहीं पर बाहर जाए शहर से, वेयर देयर इज नॉट ट्रैफिक, देयर इज नो कार, देयर इज नो ट्रैफिक, बिल्कुल बना। मैं बचपन से खाने का भी शौकीन था, इसलिए मैं किचन में रहता था, बहुत ज़्यादा किचन में रहता था, बहुत डांट पड़ी चीज़ के लिए मुझे, क्योंकि पढ़ाई नहीं करता। बट जब से मैंने खाना बनाना शुरू करा है और उनको खिलाना शुरू करा है, मुझे सेंस ऑफ जो रिलीज लगता है उनको खिला, वो पैशन मेरा धीरे धीरे डेवलप हुआ। और पढ़ाई मैंने करनी कर दी अपनी, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करा, मैं यूके में था, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो मेरा खुद का ड्रीम, खुद का पैशन है। उस चीज़ के लिए मैंने वहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया, और जब मैं वहाँ पर काम चलाता था बना के अपने, और वहाँ से जब कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स किचन की तरफ आते थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आप लोगों के लिए, अगर वो किचन में आके किसी कोई बोले कि माई कॉम्प्लीमेंट्स इज़ द शेफ, ये चीज़ सुन के जो अच्छा लगता वही मैं यहाँ पे भी देना चाहता था कि यहाँ पे हमारे तरीके का हमारा खाना ऐसा हो कि लोगों की तारीफें ना हो। मैं यहाँ के युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल स्ट्रेस बहुत मिलेगा, हर चीज़ में मिलेगा, आपकी वर्किंग लाइफ में मिलेगा, आपके एजुकेशन में भी मिलेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। बट स्ट्रेस से डील करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, एंड इन दैट डोंट सप्रेस योर हैप्पीनेस। आप बाहर जाइए, आप एक्सपीरियंस करिए चीज़ें, आप दोस्तों से मिलिए, आप ऐसी चीज़ें करिए जिनसे आपको खुशी मिली, एंड फॉलो योर ड्रीम्स, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बता रहे हैं उसकी फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड।